वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दो गार्डन्स दिए गए, गार्डन ए एंड गार्डन बी। और हमें गार्डन ए का सरकमफेरेंस बता दिया गया है 1.760 किलोमीटर, और हमें बताया गया है कि एरिया ऑफ गार्डन बी इज 25 टाइम्स एरिया ऑफ गार्डन ए। तो हमें सरकमफेरेंस ऑफ द गार्डन बी फाइंड करना है। सो अगर हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो हमें गार्डन बी का रेडियस जानना होगा एंड गार्डन ए का भी रेडियस हमें फाइंड करना होगा। सो उसे हम लोगों ने स्मॉल आर एंड कैपिटल आर लेट कर लिया है। सो सरकमफेरेंस हमें किलोमीटर में दिया गया है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 1.760 इंटू 1000 मीटर, इज इक्वल टू हो जाएगा 1760 मीटर। अगर गार्डन ए का रेडियस आर है तो हम बोल सकते हैं कि 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 1760 होगा, और 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू होगा 1760, और आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1760 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 280 मीटर। तो हमें स्मॉल आर मिल गया है 280 मीटर, देयरफॉर एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए इक्वल्स टू होगा पाई इंटू 280 का स्क्वायर। अब हमें दिया गया है कि एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू है 25 टाइम्स एरिया ऑफ ए। नाउ एरिया ऑफ बी होना चाहिए पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू एरिया ऑफ ए इज पाई इंटू 280 का स्क्वायर। सो आप यहां पे देख रहे हो कि पाई कैंसिल हो जा रहा है, और कैपिटल आर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 280 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5 इंटू 280 का स्क्वायर। देयरफॉर आर इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 280 इज इक्वल टू 1400 मीटर, 1400 मीटर। सो हमें कैपिटल आर मिल गया है 1400 मीटर। अगर कैपिटल आर 1400 मीटर है तो हम सरकमफेरेंस अब आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 1400 इज इक्वल टू होगा 22 इंटू 2 इंटू 200 इक्वल्स टू 8800 मीटर। जैसे कि अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो आएगा 8.8 किलोमीटर। सो सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन बी हो जाएगा 8.8 किलोमीटर। थैंक यू।